हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब तो आज हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं होम मेड कप ड्रॉप्स यानी कि जब गला ख़राश होता है या गला बैठ जाता है तो हम बाहर से गोली लेकर खाते हैं और गले की ख़राश को ठीक करने के लिए तो इसे हम होम मेड बनाएँगे यानी कि घर पे इसे तैयार करेंगे और सर्दियों का मौसम चल रहा है तो हमेशा गला बैठना गला ख़राब होना गला ख़राश होना और साफ़ आवाज़ ना निकलना तो उसके लिए हम ये सब बना रहे हैं तो चलिए ऐसे हम इसे घर पर ही तैयार कर लेंगे अच्छी तरीके से और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखें बिल्कुल आखिर तक तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक पैन लिया हुआ है पैन में हम आधा कप पानी डालेंगे और पानी को हल्का सा गर्म होने देंगे और इसमें हम डाल देंगे एक कप शक्कर हमने यहाँ पर ली हुई है एक फुल कप हमने शक्कर ली है और इसमें हम डाल देते हैं एक नींबू का रस नींबू भी हमारे गले के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है इम्यूनिटी बढ़ाती है और यहाँ पर हमने दो टेबल स्पून ले लिया है अदरक का रस अदरक को हमने कद्दूकस करके इस तरीके से उसका जूस हमने निकाल लिया था और यहाँ पर दो बड़े चम्मच हमने लिया है डाबर हनी यानी कि शहद इसको भी डाल देते हैं और अब हम यहाँ पर डालेंगे एक चौथाई टीस्पून लौंग का पाउडर लौंग को हमने भून कर पाउडर बना कर रखा हुआ था वो हमने इसमें डाल दिया था और अब चम्मच की मदद मतलब से इस तरीके से अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और शक्कर को घुलने देंगे अच्छी तरीके से और यहाँ पर हमने लिया है जायफल, जिसको नट भी कहते हैं और ये खराब आवाज़ के लिए बहुत ही अच्छी होती है तो इसको भी हम इसमें कद्दूकस करके डाल देंगे बिल्कुल ज़रा सा डालेंगे छोटा टुकड़ा हमने लिया था उसको बस आधा ही हमने घिसा है इसमें और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करके और अच्छे तरीके से पका लेंगे ये देखिए इसमें उबाल आ गया है और जो हमने सिरप बना रहा है ये गाढ़ा हो रहा है धीरे धीरे और आप देख सकते हैं जो ये हमने शुगर सिरप बनाया है ये बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है बहुत ही अच्छी तरीके से गाढ़ा हुआ है तो आप भी बिल्कुल गाढ़ी चाशनी बनाएं ताकि वो अच्छी तरीके से जम सके अच्छे से इसके कप ड्रॉप बन सके तो ये देखिए हमने गैस को बंद कर दिया है और इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे और यहाँ पर हमने एक बटर पेपर ले लिया इस पर हमने आइसिंग शुगर या शक्कर का पाउडर हम इस पर छिड़क देंगे अच्छी तरीके से ताकि कप ड्रॉप जो है वो आसानी से निकल जाए तो इस पर हम अच्छी तरीके से इसको छिड़क देते हैं और ये देखिए सिरप थोड़ा थोड़ा सा ठंडा हो रहा है और गाढ़ा हो रहा है तो हम इसको डाल देंगे धीरे धीरे करके कप कर ड्रॉप्स बनाएंगे तो ये देखिए इस तरीके से हम छोटे छोटे ड्रॉप्स बना लेंगे और जितनी अच्छी तरीके से शुगर सिरप ठंडा होगा उतनी अच्छी तरीके से ये ड्रॉप्स बनेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा शुगर सिरप जो है कितना गाढ़ा है तो ये देखिए इस तरीके से हम कप ड्रॉप्स सारे बना लेंगे तो यहाँ पर हमने कप ड्रॉप्स को तैयार कर लिया है अच्छी तरीके से तो अब शुगर ड्रॉप जो सूख चुके हैं उस पर हम इस तरीके से शक्कर का पाउडर जो होता है शुगर पाउडर वो हम अच्छी तरीके से छिड़क लेंगे ताकि आपस में ये चिपके नहीं और शुगर का बूरा जो बनता है वो भी आप ले सकते हैं उसे भी इसमें लगा कर रख सकते हैं कैंडी को जो हमने ये कैंडी तैयार की है तो ये देखिए हमने सारी कैंडी को अलग से निकाल लिया इसको तैयार कर लिया है और ऊपर से इसको और थोड़ा सा हम बूरा डाल देंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं तो आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपको ख़राश हो आप इसमें से एक ड्रॉप्स निकाल कर इसे चूस सकते हैं मतलब अच्छी तरीके से चुएबल है ये तो इस तरीके से हम इसे स्टोर करेंगे तो हमने इसे बना लिया है तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं ये कप ड्रॉप्स की रेसिपी आपको कैसी लगी ये वीडियो आपको कैसी लगी